इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो थर्ड नंबर पे आता है इस पूरे वर्ल्ड में। मोर देन 800 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो यहाँ पर हैं, 39,000 प्लस कॉलेजेस हैं, मोर देन 750 जो हैं वो कोर्सेस हैं, और 2 करोड़ प्लस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हर साल 30 लाख बच्चे यूजी और पीजी से पास आउट होते हैं। 35% जो है वो एम्प्लॉयबल है, यानी बाकी के जो 65% बच्चे हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें इंजीनियरिंग किया है या मैनेजमेंट किया है तो वो अपना या तो स्ट्रीम चेंज कर देते हैं या वो किसी दूसरे कोर्स में चले जाते हैं। मीन्स वो सेम कोर्स में अपना जॉब और अपना पीजी जो है वो परस्यू नहीं करते हैं। तो 35% रेट है सिर्फ एम्प्लॉयबल स्टूडेंट का, और उनमें से भी अगर देखें तो 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। 30% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है ड्यू टू दिस स्टडी प्रेशर, ड्यू टू दिस अनएम्प्लॉयमेंट। हर घंटे में एक बच्चा जो है वो सुसाइड कर रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इतना सब होते हुए हमारे यहाँ पे एक ऐसा कोई फिक्स सिस्टम क्यों नहीं है कि बच्चे जो है वो अपना करियर मैनेजमेंट कर पाए, साथ ही साथ वो अपने स्किल और पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट कोर्स या करियर चूज करें।